डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे फिनोल बनाने की विधियों में, औद्योगिक विधियों के अंदर कुछ मेथड्स आपने पढ़ लिए थे, उसी में नेक्स्ट मेथड बात करेंगे बेंजीन के ऑक्सीकरण से किस प्रकार फिनोल का निर्माण होता है। औद्योगिक विधियों में बनाने की विधियों में चल रहा है आज का जो टॉपिक रहेगा बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से नेक्स्ट जो मेथड है। बेंजीन के ऑक्सीकरण से तो यहां से क्या होता है डियर स्टूडेंट, बेंजीन के ऑक्सीकरण से कि जो आपका बेंजीन है, ये क्या है आपका बेंजीन, इस बेंजीन को क्या कर दिया जाए, 1/2 बेंजीन एवं वायु का जो मिश्रण है बेंजीन है, और ये क्या है आपका वायु, बेंजीन और वायु का जो मिश्रण है इसको 583 केल्विन ताप पे, कितने ताप पे, 583 केल्विन ताप पे V2O5 इसका नाम होता है वेनेडियम, पेंटा ऑक्साइड, V2O5 का नाम क्या होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, बेंजीन एवं वायु के मिश्रण को 583 केल्विन ताप पर गर्म V2O5 या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड में से क्या कर दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए, तो किसका निर्माण हो जाता है, यहां से क्या बन जाता है फिनोल। देखो यहां से H, यहां का जो एक ऑक्सीजन है वो कहां पे जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पे समझने के लिए यहां पे क्या H H और यहां का जो O जाएगा यहां पे पास में जुड़ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको OH, यहां से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, यहां से फिनोल में परिवर्तित हो जाता है, तो बन जाएगा यहां से फिनोल। तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट यहां से कि बेंजीन एवं वायु का जो मिश्रण है, बेंजीन एवं वायु के मिश्रण को 583 केल्विन ताप पर गर्म V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड में से प्रवाहित कर दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो ये है आपकी कि बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनोल का निर्माण। इसी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि रासिंग प्रक्रम से, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स के रहेगा रासिंग प्रक्रम से। अब रासिंग प्रक्रम से किस प्रकार से यहां से फिनोल बनाते हैं देखिएगा, यहां से रासिंग प्रक्रम से नेक्स्ट औद्योगिक विधियों के अंदर बात कर रहे हैं रासिंग प्रक्रम से, रासिंग प्रक्रम से इसमें होता क्या है कि इस प्रक्रम के अंदर स्टूडेंट्स की जो बेंजीन है उस बेंजीन से पहले क्या किया जाता है, क्लोरो बेंजीन प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रक्रम में बेंजीन है उस बेंजीन से क्लोरो बेंजीन प्राप्त किया जाता है, और इस क्लोरो बेंजीन की जो अभिक्रिया है वो अति तप्त सिलिका में भाप के साथ करवाई जाती है, तो किसका निर्माण हो जाता है, यहां से फिनोल का निर्माण हो जाता है, और ये जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है आपका, रासिंग प्रक्रम कहलाता है। यानी कि इस विधि में क्या करेंगे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया जाएगा और उस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जो है वो अति तप्त सिलिका वे भाप के साथ करवाई जाएगी, तो यहां से क्या बन जाएगा फिनोल। कैसे बनता है देखिए, यानी कि इस विधि में बेंजीन है, इस बेंजीन से क्या प्राप्त किया जाएगा क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन की अभिक्रिया HCl प्लस 1/2 O2 के साथ किसकी प्रेजेंस में होती है, CuCl2 रिएजेंट है यहां से FeCl3, CuCl2 या FeCl3 की प्रेजेंस में आपने अभिक्रिया करवाई, टेम्परेचर होता है यहां से 523 केल्विन। तो देखो यहां से बेंजीन है, अब इस बेंजीन से क्या प्राप्त करना है मेरे, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है, तो बेंजीन की अभिक्रिया HCl ऑक्सीजन के साथ CuCl2 या FeCl3 की प्रेजेंस में 523 केल्विन ताप पे करवाई जाएगी, तो यहां से क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा, यहां से देखो, यहां से रिंग के ऊपर क्या है, ये H, यहां से जो H है ये H और ये H 1/2 का मतलब एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको H2 में परिवर्तित कर देगा। तो यहां से जैसे गर्म करेंगे तो यहां से 100% कौन बाहर निकलेगा, पानी,
H2 बाहर निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ से H2 जाएगा तो यहाँ पे क्या HCl, अब यहाँ से H निकली है तो फ्री वैलेंसी हुई है, फ्री संयोजकता प्रोटॉन जुड़ जाएगा ये HCl, तो ये यौगिक जो बनेगा यहाँ पे जब ये HCl जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। यानी कि इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, इस बेंजीन से क्या प्राप्त कर लिया जाता है, क्लोरो बेंजीन प्राप्त कर लिया जाता है। अब इस क्लोरो बेंजीन को अब यहां से क्या करते हैं, इस क्लोरो बेंजीन को अति तप्त सिलिका में भाप के साथ क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। ये नेक्स्ट पॉइंट भी आपका क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अब इस क्लोरो बेंजीन को क्या कर दूं मैं, अति तप्त सिलिका SiO2 कितने टेम्परेचर यहां पे 723 केल्विन ताप पर अति तप्त सिलिका में भाप के साथ, भाप का मतलब यहां पे क्या है, पानी का अणु है H2। तो देखो जैसे ही यहां से मैं भाप के साथ इसको गर्म करूंगा तो यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, H प्लस Cl माइनस, HCl बाहर निकल जाएगा, रिंग के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो यहां से ये OH शिफ्टिंग हो जाएगा, तो यहां से किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से ये OH इसके ऊपर आएगा और यहां से आउट कौन हो जाएगा, HCl। यहां से क्या बन जाएगा, फिनोल का निर्माण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां से फिनोल का निर्माण हो जाएगा। ये जो प्रक्रम है वो कहलाता है आपका रासिंग प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, रासिंग प्रक्रम। तो इसमें होता क्या है कि इस विधि में या इस प्रक्रम में बेंजीन से पहले क्या प्राप्त किया जाता है, क्लोरो बेंजीन प्राप्त किया जाता है, और इस क्लोरो बेंजीन को अति तप्त सिलिका वे भाप के साथ गर्म किया जाता है तो इसका निर्माण हो जाता है, फिनोल का निर्माण हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।